कोरोना की जब पहली लहर कमजोर पड़ने लगी, मामले कम आने लगे, तब धीरे धीरे जो प्रोविजनल चीजें बनाई गई थी, जो टेम्प्रेरी चीजें बनाई गई थी, व्यवस्था थी, बेड्स थे, उन सब फैसिलिटीज को लपेटा जाने लगा, उन्हें हटाया जाने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक दूसरा वेव आएगा और इतनी तेजी से आएगा। आज देखिए, हम इस समय आरएमएल अस्पताल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आईसीयू बेड्स की संख्या केवल एक बची है, जो कोविड 19 के लिए या फिर कोविड 19 जो सस्पेक्टेड केस हो उसके लिए। हालांकि ऑक्सीजन बेड्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये देश की राजधानी है, देश के जो बाकी राज्य हैं वहाँ के अस्पताल हैं, वहाँ की स्थिति तो भयावह है। गुजरात जैसे राज्य में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में ही ट्रीटमेंट लेने पर मजबूर हैं लोग। ज्यादा नहीं, इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ एक साल का अंतर। कोरोना के नाम से ही शहर के शहर घरों में कैद हो गए थे, हर कोई अनजान खौफ से डरा हुआ था। चौबीस मार्च 2020 को जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ, तब भारत में कोरोना के एक्टिव केस थे 564 और मृत्यु हुई थी 10 की। लेकिन इन 10 मौतों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए। आनन फानन में पूरे देश में अस्थायी अस्पतालों की चेन खड़ी हो गई। बैंक्वेट हॉल से लेकर होटल तक को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। ट्रेन के डिब्बे चलते फिरते अस्पताल बन गए। न थकना है, हारना, लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना। लोगों ने मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को शिद्दत से माना, जो नहीं माने उन पर सख्ती भी हुई। पहली लहर में पूरा देश एकजुट होकर जिस तरह से इस अदृश्य वायरस से लड़ा, पूरी दुनिया में उसकी मिसालें दी गई। लेकिन ये सब कुछ एक साल में बदल गया। हमने जब पहली वेव कंट्रोल की, हम पूरा देश और उसमें मैं सरकार, डॉक्टर्स, सोसाइटी, पब्लिक, मीडिया सबको और अपने को शामिल करता हूं, हम सब प्री मैच्योर सेलिब्रेशन मोड में चले गए कि हमारे देश ने कोरोना पर विजय पा ली। अब हम उससे सीख ले चुके हैं। अस्पतालों में बेड की कमी, इमरजेंसी में ऑक्सीजन की कमी, टेस्टिंग में लंबा इंतजार, कोरोना 2.0 नहीं, केवल त्राहिमाम। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई भी इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई। टेस्ट के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, टेस्ट हो भी गया तो नतीजे के लिए 2-3 दिन का इंतजार है।